रिजॉर्ट है ना, तो यहाँ पर ऐसे वाइल्ड लाइफ घूमती रहती है कुछ। ये खाओ पियो ऐश करो। ये देखो जी फ्लेमिंगो रिजॉर्ट में कितने। हाँ जी एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैक्सिको की डे टू, वेलकम बैक टू द चैनल। सो देखो उठे हैं सुबह अभी, और मेरे पीछे देखो कितनी ग्रीनरी है, सनशाइन है। अभी 28 डिग्रीज है टेम्परेचर यहाँ पर, और ये जो रिजॉर्ट है इट इज़ ऑल सराउंडेड बाय लश ग्रीनरी। अभी यहाँ आके एक्सप्लोर करेंगे, अभी ये बफे करने जाएंगे। यहाँ पर चार बफेज हैं, हर एक जैसे बताया था ना कॉलोनियल, कैंटेना, वाइट सैंड। तो कॉलोनियल में दो बफे हैं, वाइट सैंड में एक है और कैंटेना में एक है। तो आज हम लोग कैंटेना साइड जाएंगे बफे करने, फिर दिखाता हूँ मैं वहाँ पर रेस्टोरेंट्स की बुकिंग कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स है, बट आपको उसकी बुकिंग करनी पड़ती है क्योंकि वो शाम को इट्स नॉट वॉक इन, सो यू हैव टू प्री बुक देम। सो वो बुकिंग भी करेंगे, और फिर आज एक्टिविटीज़ देखते हैं बच्चों की, पूल, बीच, किड्स क्लब, सो सब एक्सप्लोर करेंगे। देखो जी फेमस पाम ट्रीज, और यहाँ का जो वेकअप अलार्म था आपका, वो बर्ड्स की सुरीली चहचहाट थी, बहुत ही अच्छा लगा, एकदम मस्त था सुबह सुबह उठना उस एनवायरनमेंट में। क्योंकि जा रहे हैं बफे करने, वही देखो सूर्य देवता की पूरी मेहरबानी है मेक्सिको में। हम लोग तरस जाते हैं इस चीज़ को कनाडा में, बट यहाँ तो एम्पल अमाउंट है, एम्पल अमाउंट ऑफ वाइटामिन डी। चलो दिखाता हूँ बफे के लिए, वॉक करके जाएंगे। यहाँ पर ये बहुत मिलते हैं, इगुआनास और कवोटी, ये घूमते रहते हैं। ये वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट है ना, तो यहाँ पर ऐसे वाइल्ड लाइफ घूमती रहती है, कुछ करेंगे नहीं, यू जस्ट बी केयरफुल एंड जस्ट कीप वॉकिंग। ये लॉबी के लिए जा रहे हैं अभी वहाँ पर बफे के लिए कैंटेना में। ये देखो जी पूरा ऐसा लगता है आप जंगल में रुके हो, इट्स सच ए गुड फील। पूरा ब्रिज बना हुआ है, ये है टिकाल बफे। भाई साहब इतना बड़ा बफे, ये एक है, 1 of 4। देखो जी ये फ्रेश ऑमलेट स्टेशन है यहाँ पर, मेड टू ऑर्डर ऑमलेट्स। ग्रैंड पैलेडियम होटल में क्रोकोडाइल्स को उन्होंने उनके नेचुरल हैबिटेट में रखा हुआ है, उन्होंने दो है, एक वो है वहाँ पर, वो तो कहते ब्लाइंड है तो उसको बचाने के लिए प्रेडेटर से यहाँ रखा है। दूसरा दिखाता हूँ, वो देखो जी वो दूसरा बैठा है वहाँ पर उसका साथी। ये है मेन पूल कॉलोनियल का, और उधर वाटर पार्क है बच्चों का और किड्स क्लब में जा रहे हैं। ये रहा किड्स का वाटर पार्क, एंड दिस इज़ द मिनी क्लब, एंड दैट इज ओशन एंड बीच। ये जी इनका यहाँ का एनिमल कोटी, कोटी अभी दिखा नहीं है, दिखेंगे तो दिखाऊंगा आपको कोटी। स्केपिंग बहुत अच्छी की हुई है इन्होंने पूरे गार्डन्स की। ये देखो जी इतना बड़ा है ग्रैंड पैलेडियम, चार रिजॉर्ट का मिला के, बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, सनशाइन, गर्मी, पूल, सब कुछ, वट एवर यू वांट, विटामिन सी और विटामिन डी दोनों अच्छे मिल रहे हैं। दिस जैक्सन गोना हेल्प अस मेक द बुकिंग्स फॉर द रेस्टोरेंट एंड एनी अदर एक्टिविटी, सो यू शुड कॉन्टैक्ट हिम, ही इज़ इन द कैंटीना लॉबी। अभी जा रहे हैं कॉलोनियल लॉबी, वहाँ पर दिखाता हूँ मैं थोड़ा, वो एयर ट्रांजिट के रेप से मिलना होता है, क्योंकि आपकी ना ट्रांसफ़र जो होती है एयरपोर्ट के लिए वापस, वो सब वो बताते हैं कैसे करना है, कितने बजे पिक करेंगे। ये अपनी इंडिया की स्कूटी किसको याद है, ये देखो यहाँ भी चलती है, क्योंकि यहाँ पर स्नो नहीं होती है, कुछ नाटक नहीं है, तो यह स्कूटी आराम से चलाओ। ये आ गया कॉलोनियल लॉबी, ज़्यादा दूर नहीं था, 2 मिनट की वॉक थी। ये देखो जी ये ट्रेन जा रही है, ये आपको हर एक उस पर लेके जाती है लॉबी पर, तो कैंटेना से कॉलोनियल, कॉलोनियल से वाइट सैंड, तो मस्त ट्रेन ऐसे भी जाएंगे एक दिन, आज तो पहला दिन ही है, ये सब एक्सप्लोर करना है एकदम अपने छुक छुक गाड़ी। हाँ जी सो शी इज़ फैबियोला, शी इज़ द एयर ट्रांजिट रेप, सो आपको ट्रांसपोर्टेशन बैक टू एयरपोर्ट, एनी एक्सकर्शंस कॉन्टैक्ट हर, शी इज़ इन द कॉलोनियल लॉबी। कैंटेना की लॉबी के बाहर ये है एक्सटैबे ग्रैंड सिएबा,
यहाँ सारे हैं फ्लेमिंगोज। ये देखो जी फ्लेमिंगोज रिजॉर्ट में कितने प्यारे बर्ड्स हैं, लगे पड़े हैं। ये देखो ये रिजॉर्ट में इनका पूरा ना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ इन्होंने, यू कैन गेट एवरीथिंग। और यहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी करते हैं बहुत लोग, तो देखो जी वेडिंग फोटोग्राफी, क्या मज़ा है। सन वाटर बहुत बढ़िया दिखा दो, पूल बहुत अच्छा पूल है, ये सीक्रेट पूल है या ज़्यादा लोग नहीं है। अभी यहाँ इंजॉय करेंगे, फिर इसके बाद बफे खाने जाएंगे लंच पे, बस यही है, खाओ पियो ऐश करो और इंजॉय करो वेदर को, क्योंकि ठंड में वापस जाएंगे तो फिर से 7-8 डिग्री है जब हम कैनेडा पहुँचेंगे। देखो यहाँ बफे खा रहे हैं ग्रैंड अजुल में, लाइव म्यूजिक चल रहा है। सारा सी फूड तो बहुत ज़्यादा है मेक्सिको में, सारा सी फूड, ये इधर सब डिज़र्ट्स। ये देखो किड्स क्लब का हो रहा है ईस्टर एग हंट, और ये पूरा बीच एरिया है, ये वॉलीबॉल कोर्ट है, और वो उधर ला पोसाइडन रेस्टोरेंट है, बीच रेस्टोरेंट, यहाँ लाइव म्यूजिक चलता है। और मैंने बताया था ना ये वाटर पार्क इधर, दिख रहा है भाई। यहाँ पर बहुत गोल्फ कार्ट्स चलती रहती हैं हर 5-10 मिनट में टू टेक यू बिटवीन द लॉबीज, या आपको रूम्स में जाना है तो इट्स ईजियर, वो लगेज भी पहुँचा देते हैं आपका, काफ़ी हेल्पफुल है, सो उस हिसाब से इट्स अ वेरी ईजी कम्यूट। हाँ जी, सो शाम की रिजर्वेशन हो गई है, आज जा रहे हैं मैक्सिकन रेस्टोरेंट में ला एडेलिता, ये कॉलोनियल लॉबी में है। ये देखो दिल लटक रहे हैं पेड़ों से, दिस इज ला एडेलिता। देखो जी पूरी मैक्सिकन थीम रेस्टोरेंट है, अभी टेबल के लिए वेट कर रहे हैं। ये देखो जी मैक्सिको की निशानी, ये हाउस वाइंस, दिस इज द सैलेड बार। देखिए मैक्सिकन कॉफी, आई वांट ट्राई इट, पहली बार सुना है मैक्सिकन कॉफी का। प्रॉन बुरीटोज इन द हाउस, वन ऑफ द स्पेशलिटीज ऑफ ला एडेलिता रेस्टोरेंट, मस्ट ट्राई। हमें आज कॉलोनियल लॉबी में, तो यहाँ बड़ी चहल पहल वो था, उधर वहाँ ला एडेलिता रेस्टोरेंट था, ये इसका ग्रैंड पैलेडियम का द फेमस लव साइन, सारे लोग पिक्चर खिंचा रहे हैं, हमने भी खिंचाई। और ये रहा आपका थिएटर, वो काफ़ी सीटिंग है, थोड़ा जल्दी आ जाए तो यू गेट अ फ्रंट सीटिंग विच इज़ गुड। और ये देखो कितना अच्छा मौसम है, सारे लोग बैठे हैं, बहुत बढ़िया टेम्परेचर है, ये फाउंटेन्स हैं हर जगह पे, वो जो है वो कॉलोनियल लॉबी है मेन सारी। आज ही कसिनो नाइट है यहाँ पर रिजोर्ट में, तो देखो पूरा कसिनो के अंदर टेबल सेट किए हैं, तो एक्चुअली जो है कसिनो नाइट इट्स फॉर फन ओनली, तो उससे क्या होता है आपको वो चिप्स देते हैं ना, आप प्ले करो और आपको जो चिप्स जीतोगे उसके आपको कुछ पैसों मिलते हैं, एंड देन यू कैन एक्चुअली बाय समथिंग इन द ऑक्शन, वो ऑक्शन होगा 9:45 पे। दिखा Do it.